कोई हाल पूछो। मैं थप्पड़ मारूंगी अम्मा। ये देखो सारे मसल, ये देखो। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा हड्डी पे आपकी कोई चोट लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर्स ग्रुप चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज भी मैं सुबह सुबह उठी थी और आज मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आप लोगों को दिखाती हूँ। टिशू यार, ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ कुछ है तक कि कल मैं यूनिवर्सिटी गई थी, ठीक है। वहाँ पे मैं क्लास के लिए लेट हो गई थी, तो मैं फुल भाग भाग के क्लास में जा रही हूँ, और जाते जाते एकदम से मेरा पाँव लगा कहीं पर और मैं ऐसे मुड़ गया पाँव बिल्कुल, और इतना वहीं पर ही मैं, फिर मुझे सबने उठाया वहाँ पे क्लास में लेके गए। तो अब घर आकर तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं चला गया, अब बिल्कुल बेड रेस्ट पर हूँ, लाइक पाँव भी नहीं रखा जा रहा ज़मीन पर। तो आज फिर वही यूनिवर्सिटी नहीं गई, और आज हम लोगों ने जाना है, जो ये पट्टी वगैरह करते हैं वो देखकर बताएंगे कि क्या मसला हुआ है। मेरी इस साइड पर बहुत ज्यादा लाइक स्वेलिंग है, इसकी वजह से शायद, पता नहीं अंदर क्या, मुझे अभी पता नहीं है क्या हुआ है, बट खैर हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास, वो बताएंगे कि क्या क्या मसला आया है, तो वहां जाके फिर देखते हैं। बस मेरी इतनी दर्द है कि मैं पाँव भी जमीन पर चल भी नहीं सक रही, रात की बेड पर हूँ, तो अभी खाना पीना पानी सब मम्मा दे रही है मुझे, तो अभी भी अभी मेरी खिदमत मम्मा कर रही है। और मेरे पास वो मेरा बैट किधर गया? मैंने अपने पास बैट रखा हुआ है, उसको पकड़ के वॉशरूम में जाती हूँ। ये मेरा बैट है, मारने के लिए रखा। इसने अपनी मस्तियों से अपने बावे चोट लगा ली। इतना उछल उछल के जा रही थी, और इतनी दो लड़कियां आऊंगी, आप ठीक हो? ठीक हो, उन्होंने मुझे आगे पकड़ा। तो खैर अभी बाबा को बुलाया है, डॉक्टर के पास जाएंगे। खड़ी होकर तो दिखाओ। उनसे नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। खैर फिर भी एक दफा खड़ी होकर दिखाती हूं। खड़ी रहा, उस पे वजन नहीं डालना। नहीं, वो नहीं हुआ जा रहा। मैं पाँव, मैं बस खाली ऐसे हवा में पाँव रखती हूँ, इस पाँव से यूं यूं करके चलती हूँ, क्योंकि पाँव रखा ही नहीं, पाँव जमीन पर जा रहा। तो खैर अभी जाते हैं, वो बताएंगे कि पता नहीं क्या हुआ है अंदर, मसला क्या हुआ है। रोने वाला पार्ट इसलिए नहीं लिया, हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी, चीखे मार रही थी। तो ना था कि ब्लॉग का जहन में भी नहीं था कि ब्लॉग बनाया, बट मैंने आज सुबह उठी और मैंने कहा खैर नहीं, मैं हर चीज दिखाती हूँ तो ये क्यों ना बताऊँ। फिर मैंने कहा बता देती हूँ आप लोगों को। तो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि क्या मसला है। मेरे बाबा ने देख के ये बताया कि कोई टिश्यू ब्रेक हुए हैं शायद, तो वो लेकिन ज्यादा अच्छे से बताएंगे डॉक्टर। तो वो फिर सही जगह, कल पट्टी मैंने लगाई है मैम। हाँ, ये पट्टी मेरी मम्मा ने की है। खैर जो रियल पट्टी हो, मैं आप लोगों को भी जब वहाँ पे खुलेगा आपको दिखाऊंगी, मेरी स्वेलिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है। तो खैर हम वहाँ पे चलते हैं, फिर जाके देखेंगे। फिलहाल अभी खाना वगैरह खाते हैं, बेड पे ही खाना आएगा, बेड पे ही सब आएगा। तो यार चलना सबसे बड़ी नेमत होती है, प्लीज क्लास के लिए लेट भी हो रहे हो ना तो भागा मत करो, आराम आराम से जाया करो। ओके गाइस, मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट ले आई है, आज तो मम्मा मैं खिदमतें करवाऊंगी। उठ भी नहीं सकती। एप्पल का जूस, हाँ, क्या लाई है? सैंडविच लाई है। लेकिन नहीं, पहले राबिया खुद नाश्ता करती थी, आज मुझे बना हाँ, देना। पहले तो यार मैं खुद उठ जाती थी आराम से, बट अब उठना उठा ही नहीं पता चला, बेड रेस्ट गया होती है। यार लिटरली बेड पे बैठना, बैठे रहना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। फोन यूज करते रहो और कुछ काम नहीं। जिससे पट्टी करवानी पूछा था रात को फोन करके, उन्होंने कहा बेड रेस्ट, पाओ नहीं अभी जमीन पर, पाओ नहीं अभी रखना। यार अब खाना खाते अम्मा ने क्या डाला है, सॉसेज बेड पे बैठ के तुम प्रैंक करोगे मेरे साथ ना? ओह, ये वाला कौन सा सॉस है? इमली का। सो मेरे साथ ना एक्चुअली दो दिन से वैसी प्रैंक्स हुई जा रहे हुई जा रहे। तो पहले चोट लगी, फिर क्या हुआ था, बालों का बुखार हो गया था। बुखार हुआ है, बालों का हुआ है, रबिया के साथ ना वो हो रहे हैं, तो रबिया हाँ, कुछ अपना सत्ता। और लोगों सारे कमेंट सेक्शन में कहो कि राबिया तुम्हें नजर नहीं लगेगी अब से, हम तुम्हारे साथ हैं। और इधर मेरी जगह पे ज़ैनब भी आ गई है। कोई हाल पूछ, मैं थप्पड़ मारूंगी अम्मा। पता है ना उसकी स्वेलिंग हुई है, नाश्ता नहीं दे रही है। तो कोई हाल पूछो बहन का। बुरी बात देखो मत करो, और मेरी थोड़ी मत करो जैनब, ना करो ना करो। मम्मा यार ये पागल है, मेरी भी उंगली फ्रैक्चर हुई है। ये दिखाना उंगली कहाँ की, उंगली फूल गई है मेरी, उंगली में गंद फंसा हुआ है। तुम्हारी उंगली फ्रैक्चर हुई तो तुम पूरी दुनिया तोड़ दोगी। हाँ, ये क्या भाव है जारी रबी की बात। पट्टी मैंने खुद ही की है बच्चू, तो अब नहीं प्रैंक। ज़ैनब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, दुनिया में सबसे इजी काम है बैठे बैठे व्लॉगिंग करना। बैठे हो सब आपके आस पास और आप बस बैठे चिल कर रहे हो। मम्मा भी, ये भी, ज़ैनब यार मैं थप्पड़ मार। एप्पल जूस,
नहीं, बस आपके दो बोल प्यार की जरूरत। बस रबिया बस। पापा आ गए मम्मा। लोगों को कुछ होना तो लोग इयादत के लिए आते हैं, रबिया की इयादत के लिए सिर्फ ये दो बहनें आई हैं। सिर्फ दो आई हैं। ऊपर वाली माशाल्लाह से सो रही है, उनको ऐसे रात को उन्होंने मुझसे पूछ लिया था यार, मैं वो पट्टी करेगा ना, जब देखना इसके पाँव ऐसे सीधा करेगा इसकी चीखें निकल। मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मम्मा कब निकलना, टाइम हो गया निकलना कब? मैं यूनिवर्सिटी से भी आज छुट्टी करवाई है। इनको नाश्ता दे दूँ फिर। ओके, ये सुंडियों को चलो तैयार हो। मम्मा ऐसे तैयार ही नहीं, डॉक्टर के पास अपनी बेटी की पट्टी कराने जा रही हूँ। मम्मा इतना इतना अच्छा, ये जरा पट्टी खोलो तो सही दिखाओ मुझे क्या है, कितना है। ओके मैं खोल के दिखाती हूँ आराम से। मैं रेडी हो गई हूँ, पाँव को कुछ भी नहीं हुआ। रबिया लगवा रही है यार, रबिया अगर ये हुआ ना के दिखाती, वो तो इंटरनली चोट है ना, एक वो बाहर वाली थोड़ी है। ओहो वो बाहर वाली थोड़ी है, ये तो अंदर वाली दिखाओ तो सही। आ एक मिनट ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ओए होए 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 रबिया, ये देखिए सारा सेल हुआ हुआ है यहाँ से। या अब देखो जो जो टिश्यू फटे थे ना कल, नहीं दिख रही है देखो। ये देखो सारी मसल, ये देखो इस। ओके गाइस, तो राबिया का व्लॉग यहाँ से मैंने हाईजैक कर लिया। अभी मामा जो है वो राबिया के अंदर पट्टी वगैरह करी थी, और पापा ने कहा कि नहीं है थोड़ा मामला सीवियर लग रहा है, तो हम उसको पट्टी करवाने लेके जाते हैं। पापा बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं राबिया को यहाँ से कैप्चर करके आ जाऊं। यार ही राबिया मेरा बनाया, मुझे बिल्कुल नहीं चलाना। ओ डंडा लो वरना ये गिर जाएगा। ये सब दुआ करेंगे इसका पाँव जल्दी से ठीक हो, और ये फिर मस्तियां करें, बहुत सारी मस्तियां करेगा। Do you need my help? मैं गाड़ी में बिठाती हूं। आ रही हूं, आ रही हूं। शूज पहन तेरा पट्टी का ब्लॉग। शूज पहन लो। खुद बन, मामा आप बना देना। मैं साथ नहीं जा रही ना इसलिए, और कोई बात नहीं आप बना लेना, आप अच्छी ब्लॉगर हैं। बनाएगी आज भी। देख ले राबिया का पांव टूटा फिर भी उसके लिए व्लॉग बनाया जा रहा है। ध्यान से खाने के लिए बनाया जा रहा है। ध्यान से, ध्यान से। ठहर जा, चल बैठ आराम से बैठ। बेटी का पाँव टूट गया, आपको अपनी कॉफी की अपनी डाइटिंग की पड़ी हुई है, सीरियसली नाश्ता भी नहीं किया, जल्दी चले लाती रुक जाए। ओके सो फाइनली हम लोग आ गए हैं टिकट साथ साथ, मम्मा ने पकड़ा हुआ है मुझे। मम्मा है कहाँ पे ये पता नहीं, किस जगह पे पापा रहता है जिसमें मुझे ना पता लगा है कि वो जो जो अंकल है ना वो आपको ना जोर का पाँव ना डालो का आपका पाँव खींचते हैं। और गैस हम लोग पहुँच गए, पता नहीं डॉक्टर क्या करेंगे मेरे साथ। रेस्टी में से गिरी थी तो वो इधर ये पीछे वाली आगे पूरा पाँव खींच हुआ है। हाँ आपका अपना बदन आया जी, तो अब कल आप यूनिवर्सिटी जाएंगे? नहीं कल छुट्टी है, दो दिन छुट्टी है, दो दिन छुट्टी। इसको आराम मिलेगा तो आपकी हड्डी पे चोट लगेगी। हाँ इसको आराम मिलेगा तो जल्दी ठीक होंगे आप। आपकी हड्डी मुड़ी है, हड्डी मुड़ी है, हड्डी पे ना लाइन आई हुई, ये उछलती बहुत है, कूदती बहुत है, इसे कह रेस्ट करनी है। तो रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बगैर रेस्ट के तो नहीं ठीक होगा, फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दो दिन मिसा से उठ रहा हूँ सर, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि यार से मेरे पाँव पर देसी टोटका लगा रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं लेकिन ये हमारे बड़े बचपन से हैं, हम लोग इन्हीं से हमेशा करवाते हैं, कुछ भी होता है क्योंकि ये थोड़ा देसी होता है तो देसी ज़्यादा अच्छा होता है ना। देखना दो दिन में तुमने ठीक हो जाए। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा घूमती हूँ उछलती हूँ। ओके गाइस फाइनली हमारी पट्टी हो गई है, मुझे घर पर ऐसे ही बैठना पड़ेगा, मूव नहीं करना वरना और उन्होंने कहा बढ़ जाएगा। चलो थैंक यू अंकल। ओके गाइस फाइनली पापा मुझे गाड़ी में बिठा गए हैं, और आओ ऊपर भी नहीं उठाया पट्टी कुछ इस तरह से उन्होंने कर दी है। पापा जी मैंने पूछा था, मुझे लगा कि आपको ये हॉस्पिटल में लेके जाएंगे लेकिन ये कोई हकीम था। ये जो हॉस्पिटल है ना उनसे ये बेहतर है फिर भी। हाँ जब लास्ट पापा का भी चोट लगी थी, पापा भी इन्हीं के पास है तो इनके हाथ में बहुत शिफा टाइप होती है ना इनके हाथों। हाँ अभी हम इनके पास, अब देखना मेरा इतना जल्दी ठीक हो जाएगा।
अभी पापा ने तो फुल फ्रूट्स वगैरह भी ले रहे हैं। मम्मा लगता है फ्रूट चाट बनानी है। रबिया को जाके सूप पिलाते हैं, वाइट चाय पिलाते हैं, अच्छी अच्छी रबिया की खिदमत करते हैं जाके भी। आज रबिया बीमार है, कोई भी काम नहीं करवाना। मैंने कोई काम नहीं करना, ये सबसे अच्छा होता है। पाँव पे लगे आप चल भी नहीं सकते, कोई काम ही नहीं कर रहा। रबिया की आज खिदमत है शुरू, सारी बहने आप जाके रबिया की खिदमत। ओके गाइस, फाइनली हम लोग घर आ गए और अम्मी भी दर्द है मतलब। लेकिन एक बात, हमें पट्टी लगने से ना दर्द बेहतर हुआ। रबिया में बड़ा हौसला है, पट्टी हुई कुछ ही रबिया रोई। हाँ मुझे दर्द हो रहा था बट मैं बोल नहीं रही थी कि मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता उनके सामने। अब उनके सामने उनको को मेरी खिदमत करनी है, सबने मुझे किसी ने डांट भी नहीं लगा। रबिया आई है, रबिया आई है, उसको लेने आओ आगे से। वो ये कोई लाइट नहीं जलाई, अंधेरा किया हुआ। इनके हालात देख लो। ए फातिमा देख मेरा पाँव दे। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा हड्डी पे आपकी कोई चोट लगी और टिश्यू ब्रेक हुए आपके, आपने चलना नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं करवाना तुमने। कितनी तुम्हारी तरह वो गत्ता नहीं होता जो ऊपर वीडियो के उसके गत्ता होता है तुम्हारी कमर पे जैसे लगा था वैसे उन्होंने लगाया और उसने कहा मूव भी नहीं करना। दो दिन बेड से नहीं उठना, बेड रेस्ट करनी है। आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई? नहीं, छुट्टी किया आज यूनिवर्सिटी से। और मुझे कोई काम भी नहीं करना तुमने। मैं आगे पीछे तो बहुत काम करती हूँ, मैंने वीडियो भी नहीं बनानी है। लुमड़ी को लग गई चोट, लुमड़ी ने पहले काम करना ना कुछ, लुमड़ी ऐसे ही बैठी रहती है। तुम्हारे इतने काम करती हूँ, वीडियो शीडियो भी नहीं बनानी है थोड़ी देर। दो दिन दिन नहीं बनाओगी ना, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां आ रही है उसका क्या। अब अंदर अपने रूम में चलते हैं और जैनब को भी बता दें। ओके गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। मैं आकर सो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मेरे को सोना है आपने, ठीक है। तो अभी मेरा पाँव ठीक है, बस हल्की हल्की दर्द है। और इधर माशाल्लाह से ज़ैनब बैठी हुई है और इसको मम्मा ने मेरी देखभाल के लिए यहाँ पे रखा है। मम्मा ने इसको इसके ऊपर वाले रूम से बुलाया और कहा कि तुमने आज रात नीचे सोना क्योंकि राबिया को जरूरत पड़ेगी, तो तुमने उसके सारे काम करने हैं, बहुत मजा आएगा। मैं ज़ैनब से काम करवाऊंगी। बड़ी बहनों का काम होता है ये। नहीं, मेरे पाँव टूटा है यार। तो बड़ी बहनों का काम होता है कि तुम्हारी देखभाल करें। लेकिन आप कर दो ना, कोई बात नहीं। और कितना पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज। बस थोड़े से काम करने और नहीं करना। मैं पानी तो ला दो यार। यार आज मौका मिला, मैं फायदा भी ना उठाऊं अपनी बीमारी का। मैंने ये सोचा कि अभी मैं इसको इतना तंग करूंगी, जान जान के इसको इतने काम बोलूंगी कि इरिटेट होकर करूंगी, मम्मा मैंने नहीं करना, देखा बहुत तंग करूंगी मैं इसको। वैसे हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ज़ैनब ने मुझे पानी लाकर वो ना मुझे टिश्यू पेपर भी ला दो, फिर मेरा नाक साफ करना प्लीज। मैं नहीं चल सकती यार, अब इससे बहुत तंग करूंगी। एक मिनट रुक जाओ यार, इधर आओ, वापस आओ, मुझे एक चाहिए था बस। तो ये क्या है, पकड़ लो। ठीक है मैं ले लेती हूँ। ओके बैठ जाओ। ज़ैनब एक मिनट रुको, मुझे ना गिटार चाहिए, एक मिनट रुकना। पागल ना, एक मिनट गिटार पकड़ा दो, मुझे दो मिनट बजाना है यार अपने लिए प्लीज। मम्मा ज़ैनब का मैं कर लूंगी, मेरे नाक साफ कर लूंगी जब दिल जाएगा, मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था। प्लीज गिटार पकड़ा दो। थैंक यू ज़ैनब, ध्यान से मेरे पाँव पे मारिए। मम्मा ज़ैनब गुस्सा कर रही है मेरे साथ। ओके तुम्हारी क्यों जुकाम हुआ है, गला खराब है मैं और सर अलग से जैसे ही इसका हुआ साथ। लड़की है यह जादू खुशबू है। ओहो ना वो मुझे फ्रिज से, मैंने मम्मा ने ग्रेप्स रखे हैं वो लेकर आना प्लीज। मम्मा ने कहा है तुमने मेरे काम करने हैं यार, सारे तो नहीं करने हैं। जाओ ग्रेप्स लेकर आओ प्लीज। मम्मा ज़ैनब काम नहीं कर रही। मम्मा ज़ैनब मेरे काम नहीं कर रही यार। मम्मा सारे कई करने पड़ेंगे तुम्हें। लड़की है या है जादू खुशबू है। मम्मा उसको बोले। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो मच। ज़ैनब का मुंह ही बन गया यार। अपनी बहन की खिदमत करना गलत बात थोड़ी है यार। मैं ना कैब पहनने का बहुत जिद्दी है, कैब पकड़ा रहा ज़ैनब प्लीज। ज़ैनब मेरी यहाँ से बाल खड़े पीछे करना यार, बस करो, इसको इतना तक नहीं करना चाहिएगा। खैर मैं आप लोगों को अपने पाँव की सूरत हाल दिखाती हूँ, अब काफ़ी बेहतर हो गया, मैं चल भी पा रही हूँ। अब मेरा पाँव काफ़ी ठीक हो गया और लाइट लाइट सा चला भी जा रहा है मुझसे। तब कल तक इंशाल्लाह मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी इंस्टा स्टोरीज पर। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो मेरे लिए दुआ करें कि मुझे और बस कुछ बीमार ना हो जाओ मैं। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।